Wiggle, wiggle. Like. हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप एक छोटी सी ट्रिक अपना करके अपने जो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, लेग करता है चलाते वक्त डेली, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको करना होगा बहुत आसान काम जो मैं अब आपको इस अपने वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर प्रेस करना है। आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सिंपली %10% टाइप करना है। देख लीजिए आप, %10% टाइप करना है और इसे टाइप करने के बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर जितनी भी टेम्परेरी फाइल जो आपके सिस्टम में ओपन है या उसने आपकी मेमोरी स्टोर कर रखी है वो ओपन हो जाएंगी। आपको किसी भी एक फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, सारी फाइल सेलेक्ट करनी है और सिंपली इसको जा करके परमानेंटली डिलीट कर देना है अपने सिस्टम से। देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको ये सिस्टम में जाना है, %10% सर्च करना है, जो भी फाइल्स ओपन होंगी सबको सेलेक्ट ऑल करना है और यहाँ पर आकर के आपको उसको डिलीट कर देना है। कुछ फाइल्स जो रनिंग होंगी वो डिलीट नहीं होंगी, उनको स्किप कर देना है। दोबारा फिर से विंडो प्लस आर प्रेस करिए और अब की बार %10% की जगह ओनली %10% सर्च करिए। उसके बाद जितनी भी फाइल्स ओपन होती है दोबारा से उन सभी को आपको सेलेक्ट ऑल करना है और डिलीट पर जाकर डिलीट परमानेंटली कर देना है। और कुछ फाइल्स जो रनिंग रहती हैं वो डिलीट नहीं होंगी, उनको आपको स्किप कर देना है। बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों। तो आपने %10% टाइप किया और टेम्प टाइप किया। अब एक बार और आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है, इस डायलॉग बॉक्स में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है prefetch, ये एक और सिस्टम का फोल्डर है दोस्तों जिसमें टेम्प्रेरी फाइल्स रन रहती हैं। इसमें जाने के लिए परमिशन लेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, सिंपली क्लिक कर देना है आपको कंटिन्यू पर। उसके बाद में जितनी भी फाइल्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं इनको सबको सेलेक्ट ऑल करना है। बहुत सारी फाइल्स आपको यहाँ नज़र आएंगी। अगर आप ये काम ज़्यादा दिनों में करते हैं या करते ही नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा फाइल आपको नज़र आएंगी। इन सभी को सिंपली परमानेंटली डिलीट कर देना है आपको दोस्तों, जैसे आपने पहले दोनों किया था। और रनिंग फाइल्स हैं वो डिलीट नहीं होंगी, उनको स्किप कर देना है। अब इसके बाद में एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है और आपकी जो सी ड्राइव है इसकी प्रॉपर्टी में चले जाना है। राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क क्लीनअप का बटन नज़र आएगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। और ये क्लिक करने के बाद में ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, इसमें जितनी भी आपको यहाँ फाइल्स नज़र आ रही है इनके चेक बॉक्स को सबको टिक कर देना है आपको दोस्तों। जितने भी हैं सभी को, एक को भी नहीं छोड़ना है, सभी को टिक कर देना है और ओके प्रेस करके सभी फाइल्स को डिलीट कर देना है। अब ये सब काम करने से दोस्तों होगा क्या, आपके कंप्यूटर में डेली जो आप काम करते हो उनकी वजह से कई सारी फाइल्स जो है टेम्परेरी फाइल्स बन जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी मेमोरी को स्टोर करती है और कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तो ये सब अगर आप रेगुलरली डेली के डेली डिलीट करेंगे तो कभी आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। तो ये छोटी सी ट्रिक्स थी दोस्तों जो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।